आज रामगढ़ जिला के शहीद ब्रिगेडियर पुरी पार्क में दिनांक 22/12/2019 को एक डाटा के संबंध में बैठक बुलाई गई और इस डाटा को लेकर हमको आगे कैसे फाइट करना है उस संबंध में भी बातें हुई बहुत सारी। उसके बाद हम आशा कर रहे थे कि हमारे सीनियर लोग भी हमारे आज सपोर्ट में आए, क्योंकि ये सच्चाई है कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और वो कानून आज नहीं तो कल जो है कि हमें कुछ परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपने सीनियर लोग से निवेदन किया था वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। तो हमारे सीनियर अभी आए हुए हैं जो हमारे बीच हैं, मिस्टर असलम सर जो उस समय भी काम कर रहे थे, उस समय भी साथ में थे और दिल्ली जाने के क्रम में भी साथ में थे। इसमें कुछ गड़बड़ी के कारण या रहा होगा इनका कोई परेशानी जो उपस्थिति नहीं कराई थी इन्होंने, तो आज अपनी उपस्थिति करा के इन्होंने ये हम लोग का प्रोत्साहन किया या हमारे उत्साह को आगे बढ़ाने का कोशिश किए हैं इन्होंने कि हम भी आपके साथ जाएंगे और चाहे जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे और जैसे होगा हम अपने सम्मान को वापस लाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं रामगढ़ और रांची, धनबाद, बोकारो जहाँ से भी काम हुआ था उन सभी एजेंट साथियों से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से लोढ़ा कमेटी अभी आपको पेमेंट कर रही है वो आप समझिए कि आपको एकदम से एकदम काल के मुंह में धकेलने का काम कर रही है। तो अगर आप अभी नहीं जागोगे तो आने वाला दिन वो दूर नहीं है जब आपके कस्टमर आपको छोड़ेंगे नहीं, कारण कि अगर अभी आपको छोड़ रहे हैं तो सिर्फ जो छीट पुट पेमेंट आ रही है उस बात को आप उस पर सुना करके अपना आप रास्ता नाप रहे हो या सुना करके आप निकल जा रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है कि उसके खाते में पैसा नहीं आएगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, कारण कि वो आपके माध्यम से आपको देख करके पैसा जमा कराया था। आज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ग्राहक को जानते हैं, लेकिन मैं उन एजेंट साथियों से ये कहना चाहता हूँ, क्या कस्टमर सुप्रीम कोर्ट को जानती है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानती है साथियों, इसलिए हम सारे भारत के एवं झारखंड के सभी एजेंटों से निवेदन करते हैं कि वो अब भी अपना सही रास्ता चुन लें, क्योंकि अगर आप अभी कंप्लेंट नहीं लगाएंगे तो आने वाला दिन में जब लोढ़ा कमेटी सारे को नोटिस बोर्ड लगा देगी कि हाँ इतने का मैंने निपटारा कर दिया, तो फिर बाद में आप अप्लीकेशन भी कितना भी लगाएंगे वो मान्य नहीं होगा। ये कानून है, क्योंकि आप कोई भी देखे होंगे कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी हादसा होता है आपके घर के बगल में या रोड में या कहीं भी, जो हादसा जिस दिन होता है उसके एक महीना डेढ़ महीना के अंदर आप कंप्लेन नहीं कराते हैं या उस दिन नहीं कराते हैं, दो साल, एक साल, तीन साल, पाँच साल के बाद अगर कराते हैं तो वही प्रशासन आपको बोलता है कि इतने दिन से कहाँ थे। कोई सपोज करिए कोई आपके ज़मीन में घर बना लिया है और उस घर में वो रह रहा है काफ़ी दिनों से, आप देख रहे हैं उसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जब आप किसी दिन आपको ज़रूरत पड़े उसको खाली कराने का तो जब आप कोर्ट का दरवाज़ा या फिर प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो कहता है कि जिस दिन ये आदमी घर बना रहा था, जिस ये निर्माण कार्य का जब इसका प्रगति चल रहा था उस समय आपने क्यों नहीं इसका मतलब जो है रोकने का काम किया। तो मैं ज़्यादा कुछ समझाने का प्रयास नहीं करता हूँ, मैं भारत के सभी उन एजेंटों को ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से लीगल प्रोसेस का नियम है और जिस तरह से कानून के शिकंजे में आपको घेर करके भंगू आपको ऐसा कर दिया है, ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। मरने के लिए तो वो सदा छोड़ दिया है कि भाई तुम मरोगे तो हमें आसान होगा, लेकिन आप इस चीज़ को जानो कि ये मौलिक अधिकार है, ये संविधान कहता है कि जिसका रसीद गुम हो गया है, जिसका बॉन्ड खो गया है, उसका उसको पैसा नहीं मिलेगा, संविधान ऐसा नहीं कहता है। कारण कि आप और हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बैंक नहीं हो या LIC ऑफिस नहीं हो या इंश्योरेंस कंपनियां जहां नहीं हो, वैसे जगह पर हम लोग बिलोंग ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, हम लोग वहां भी करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हमारा बैंक में पासबुक गुम हो गया तो क्या हमें उस पासबुक में जो जमा राशि है वो नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे तब क्या बैंक वाला बोल देगा कि आपका पासबुक गुम हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा? वो कहेगा आप नाम बताओ, आप पैन नंबर बताओ
या आप अपना फोन नंबर है वो बताओ, मैं आपका सर्च करके खोजता हूँ। लेकिन आप इस डिजिटल दुनिया में भी आके आप गुमराह हो रहे हैं। अगर आपका कस्टमर का बॉन्ड भुला गया है, रसीद खो गया है, तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप कंपनी से इस डाटा को उजागर करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी मौजूद है। अगर वो कहती है कि नहीं लोढ़ा कमेटी के पास सारा हिसाब है, तो आज इस डाटा को बना के लोढ़ा कमेटी को भी हम फाइट करेंगे कि भंगू कहता है कि सारा डाटा आपके पास है, तो आप हमें उजागर करिए कि हमारा ये पॉलिसी नंबर है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इतना मैंने पैसा डाला था, ये हमारा जो डाटा है तुम उजागर करिए, उसके बाद हम भंगू को घेरेंगे। उसके बाद भंगू को भी ये लेटर भेजेंगे कि तुम उजागर करो कि लोढ़ा कमेटी को किन किन कस्टमरों को नाम दिया। तो ये सारा खेल जो है आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि भंगू जो ऐसा खेल खेला है, ऐसा चाल खेला है, जिसके तहत आप और हम इतना प्रताड़ित हो रहे हैं कि ना हम फील्ड में कहीं निकल पा रहे हैं बढ़िया से, और ना कोई काम कर पा रहे हैं, और ना बच्चे का परवरिश के लिए हम सोच पा रहे हैं कि हम बच्चा कैसे पढ़ाएं, कैसे इसको किस स्कूल में दाखिला कराएं, कि जो हम अभी परिस्थिति में है, जिस स्थिति में हमको ये एजेंटीगिरी करना पड़ा, हमारे बच्चे को नहीं करना पड़े, वो स्थिति को हम सुधारने में नाकाम हो रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे साथ अभी एक और भी हमारे साथ के हैं, जो महेंद्र प्रसाद के डाउनलाइन के हैं, श्री रूपलाल महतो जी, जो आज आए हैं। तो मैं इनसे निवेदन किया हूँ कि भैया आप शपथ दीजिए। और महेंद्र प्रसाद ने जो ऑडियो क्लिप वायरल किया था कि जिस जो जोड़ा है उसको पकड़ो, उसको समझो, तो मैं आज ये कहता हूँ कि आप सभी जितने महेंद्र प्रसाद के डाउनलाइन हैं, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, जहाँ के भी हैं, सब लोग जाइए और अशोक सिन्हा को पकड़िए और कहिए कि भैया तुम्हारा ये बाप ऐसा बोला है। वो ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके पास जाइए और कहिए तुम्हारा बाप ऐसा बोला है, अब हम तुम ही को लेके चलो, और नहीं तो तुम्हारा हाथ पांव तोड़ के उसके पास बोरा में पैक करके ले जाके फेंक देंगे उसका घर में कलकत्ता में। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहता हूँ कि रूपलाल जी आप अपना एक शपथ दे दीजिए, और उस शपथ को और जितना प्रकार का प्रक्रियाएँ हैं अशोक सिन्हा के खिलाफ या उसके जो जूनियर जो आपको जोड़ा है उसको आप लीगल नोटिस दीजिए और पूछिए। अगर वो नहीं चलता है, अगर चलता है तो जाइए साथ में और महेंद्र प्रसाद का जो ऑडियो क्लिप है उनको लेकर सुनाइए और आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए, नहीं तो अशोक सिन्हा भी आपका लुटना डुबाने के लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ISO से जाके जुड़ा है और ISO निर्मल सिंह भंगू का बना बनाया हुआ संगठन है, जो कि जिसका प्रपोजल वहाँ सामने रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में 49,100 करोड़ का, और उसका जो प्रपोजल लगाने वाला जो आदमी है वहाँ मौजूद रहता है और उसका प्रपोजल का कोई जिक्र नहीं होता है, तो आप समझिए कि वो आपका है या फिर भंगू का है। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझाते हुए मैं आखिरी ये निवेदन करता हूँ कि सभी भारत के एजेंट साथियों इस बात को समझो, ना ही अभी जो पोर्टल में काम हो रहा है, ना ही आपका संगठन करवाया है और ना ही दजीरो करवाया है, वो किया है तो सिर्फ भंगू किया है और भंगू के इशारे पे चलने वाली लोढ़ा कमेटी की है और सेबी ऑफिस ने की है। और सेबी ऑफिस, अच्छा दूसरी बात एक और है कि सेबी कार्यालय में ही निर्मल लोढ़ा जी बैठे हैं, लेकिन जब सेबी में हम लोग फ़ोन करते हैं तो उनका जवाब आता है कि लोढ़ा कमेटी जो करेगी सो वो करेगी। तो भाई लोढ़ा तो तेरा पास ही बैठा हुआ है, लोढ़ा जी को छोड़ के तो सारे जितने ऑफिसर हैं वो सब तो सेबी के ही हैं, तो सेबी वाले ऐसा क्यों जवाब देते हैं, आप समझिए। इस पर भी हमको मतलब ऐसा लगता है कि निर्मल सिंह भंगू वहाँ जो बोटी फेंका है वो सेबी के अधिकारियों के ऊपर भी ऐसा बोटी फेंका है और ऐसा कानून वकील के माध्यम से लिखवा दिया है कि ना सेबी को आप प्रेशर दे सकते हैं और ना लोढ़ा जी आपसे बात करेंगे, तो आप समझिए। तो भैया आप बात कहाँ करेंगे, निर्मल सिंह भंगू से बात करेंगे, टीपी चेन्नी से बात करेंगे, आप महेंद्र प्रसाद से बात करेंगे, हम सहज पाल से बात करेंगे, हम महेश दुबे से बात करेंगे, हम MD यासिन से बात करेंगे, हम कहेंगे कि तुम जाओ और बात करो मेरे लिए, क्योंकि जब हम पेमेंट का बात करते हैं निर्मल सिंह भंगू से तो कहता है लोढ़ा कमेटी से बात करो, तो क्या डाटा के लिए वो देगा, लोढ़ा के देगा हमको कि तुम पहले दो ना हमको डाटा कि तुम कितना दिए हो लोढ़ा को, तब ना हम जाके लोढ़ा जी से लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को पहले समझना होगा, पूरे भारत के जो इस PSEL के मैटर से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, उन सभी साथियों को फिर से मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी जागिए और अपना जो लीगल प्रोसेस है वो अपनाइए, इसलिए
ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज मैं फिर से निवेदन करता हूँ, जो सीनियर आज हमारे खिलाफ ऐसा यानी नकारात्मक शब्द कर रहा है, जैसे हम फ़ोन भी करते हैं तो वो बोलता है यार कर दो मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट, तो वो आज से मैं कहता हूँ कि आज से उनका अब कंप्लेंट चालू हो गया है। अभी हमने अपने सीनियर जो टॉप सीनियर थे असलम सर, उनको मैंने पूछा कि लीगल नोटिस आपने भेजा तो जवाब दिया है, वो तो बोले हैं कि नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग उसको भी देखेंगे। और हम ये निवेदन करते हैं सर से कि हम लोग पता लगाया जाए कि वो कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। अब हम लोग को जो करना है वो जहाँ पर मिलेगा वहीं पर करेंगे हम लोग, ये हम लोग वीडियो में भी अब जारी नहीं करेंगे कि क्या करेंगे उसके, ठीक है। इतना ही करके कह करके आज का जो बैठक है हमारा, वो डाटा के संबंध में बैठक हुआ था और कुछ और भी मैटर में बैठक हुआ था, तो सारी चीज़ों को हमने उजागर किया और लोगों को जगाने का काम किया। इतना ही कह करके आज का ये बैठक पूरा करते हैं। जय हिंद, जय द जीरो परिवार।